पढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं आप लोगों को, पहले तो आप मुझे ये बताइए, मन किस किस का नहीं लगता पढ़ने में? सबका नहीं लगता होगा। और जिनका मन नहीं लगता उनका मन किस में लगता है फिर? टीवी देखने में, खेलने में, फालतू की गपशप करने में, दोस्तों के साथ घूमने में, इन सब चीज़ों में लगता है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब आप किताब लेके बैठते हो पढ़ने के लिए और जब आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप क्या करते हो, आपका दिमाग क्या करता है? आपका दिमाग बहाने बनाता है। बहाना बनाना समझते हैं आप लोग? सबसे बुरी चीज़ इस दुनिया की अगर कुछ है तो ये बहाना है, ठीक है। किताब लेके बैठे, थोड़ी देर में आपको भूख भी लग जाएगी, उसके थोड़ी देर बाद प्यास भी लग जाएगी, थोड़ी देर बाद और महसूस करोगे कि घूमने का भी मन कर जाएगा, कहीं ना कहीं सिर में भी दर्द हो जाएगा, हो जाती है कि नहीं चीज़ें। और जब मोबाइल में पिक्चर देख रहे होते हो, मूवी देख रहे होते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हो फालतू की, तो किसी के दर्द होता है क्या? क्यों? मैं बताता हूँ इस चीज़ को। इंटरेस्ट की बात बिल्कुल सही है, ये एक छोटी चीज़ है, हम लोग बहुत भीतर जाके समझते हैं। ब्रेन के, माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो दिमाग होता है जिसमें आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, जो चीज़ें आप लिख रहे हो, जो चीज़ें आप समझ रहे हो उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर रहा है। अनकॉन्शियस माइंड मान लीजिए एक ऐसा सॉफ्ट डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर जाके डाटा सेव हो जाता है। तो जो कॉन्शियस माइंड ने जो चीज़ें एक्सेप्ट की वो उसको ज़्यादा देर तक रैम की तरह होल्ड करके नहीं रख सकता, वो उसको ट्रांसफ़र करता है हार्ड डिस्क में, और वो चीज़ जब हार्ड डिस्क में पहुंच जाएगी तो वहाँ जा करके सेव हो जाएगा। बचपन से लेकर के और अब तक हम लोगों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये काम करने से अच्छा होता है और ये काम करने से बुरा होता है। बताया जाता है कि नहीं, कौन से काम अच्छे कौन से काम बुरे हैं? लेकिन फिर भी हम लोग बुरे काम सीख जाते हैं, अच्छा काम नहीं सीखते। ऐसा क्यों होता है भाई? कोई बताता है कि ये काम बुरा करना है आपको? कोई मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, सर ने कभी बोला है कि ये बुरा काम करो आप लोग? कोई एक सिंगल पर्सन आपसे ज़िंदगी में ये नहीं कहेगा कि बुरा करो, फिर भी आपको अच्छे से ज़्यादा बुरा आता है और उसको करने में मज़ा भी आता है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं बताओ, तो जब गलत नहीं कह रहा तो आप लोग, हम लोग करते क्यों ऐसा? इसके पीछे देखिए साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझाता हूँ। ये हार्मोनल खेल होता है, ठीक है, ये दिमाग का खेल है। जब आप जो काम करने पे आपको प्लेजर मिलता है, आपको खुशी मिलती है, उस खुशी के बाद में दिमाग से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन। तो डोपामाइन का सीक्रेशन दिमाग में उसी वक्त होता है जब आपको किसी काम को करने पर खुशी मिल रही है, और जब ये डोपामाइन सीक्रेट होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उस चीज़ को देखते रहने का कंटिन्यूसली आपका मन करेगा। और जिस चीज़ को करने में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जिस चीज़ को करने में आपको अशांति मिल रही है, जिस चीज़ को करने में आपको सुकून नहीं मिल रहा है, वहाँ ये हार्मोन रिलीज नहीं होता, तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर आपका मन क्या करेगा कि कुछ ऐसा काम करो जिसमें वो हार्मोन सीक्रेट हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी रिसेंटली UGC नेट क्वालिफाई किया, PhD के लिए जा रहा हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। या कोई भी है, आप एग्ज़ाम देते हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम की आप सालों साल पढ़ाई करते हो, वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग बोर हो रहे हैं, कि हमारा मन नहीं है, कि हमारा कुछ नहीं है, देखते हैं क्या वहाँ पे? नहीं देखते। वहाँ हम लोग क्या देखते हैं? कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी होती है। क्या आपको लगता है कि जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, महात्मा गांधी, क्या आप लोगों को लगता है कि इन लोगों को कभी ऐसा सोचते होंगे आज नहीं मारते अंग्रेज को, आज मन नहीं है, ऐसा होता था कभी इनके साथ? क्यों? क्योंकि काम के प्रति डेडिकेशन था, ठीक है। काम के प्रति अगर आपके अंदर है कि मुझे अपने काम से प्यार है और मुझे इसको करना है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद उस पथ पर कंटिन्यूसली चलते चले जाओगे जो आप चलना चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या होती है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि चीज़ें कुछ कुछ ऐसी रास्ते में मिल जाती हैं जो हमें भटका देती हैं। अभी आप लोग छोटे हो, कल को और बड़े हो जाओगे, कल को टीनेजर एज में पहुँचोगे,
तो उस उम्र में पहुंचने के बाद में आप लोगों में और एक चीज़ होगी कि अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, जो कि भारत की या किसी भी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन जब होता है व्यक्ति के अंदर, तो एक तरीके का ये समझ लीजिए कि कोकिन का नशा है वो, ठीक है। प्रेम प्रसंग की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में बता दूँ तो ये इतना घातक चीज़ है। आप लोग इस स्टेज में कल को एंट्री करोगे, अभी मैंने एक डाटा पढ़ा परसों कि हर एक मिनट में 4 से 5 आदमी मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 2 से 3 आदमी इस प्रेम प्रसंग से संबंधित थे। ये कितना घातक चीज़ है, आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को। आप लोगों का घर में कोई दिक्कत हो जाए, आप लोगों का मान लो पढ़ाई में फेल हो जाओ, सब लोग आपको समझा देंगे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप बाहर आ जाओगे निकल के, सही कह रहा हो कि नहीं। आपको अगर मान लो कि कहीं पे कोई और बड़ा लॉस हो जाए या किसी का घर में कोई एक्सपायर कर जाए, 15-20 दिन लगते हैं, हम लोग बाहर आ जाते हैं निकल के। लेकिन जब इस स्थिति में आदमी पहुँचता है ना, अभी मैं बताता हूँ आपको रिसेंटली उदाहरण जो कुछ ही दिन पहले का है, जब इस स्थिति में हम लोग पहुँच जाते हैं तो वहाँ से निकलना हर एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल बात होती है, और ख़ास करके आप जैसी उम्र के बच्चों में। आप अपनी समस्याओं को किसके साथ शेयर करते हैं? लड़कियाँ तो किसी के साथ करती ही नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छे से इस बात को। लड़के तब भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेंगे, भाई के साथ कर लेंगे या किसी और के साथ शेयर कर लेंगे। अगर ऐसी स्थिति लड़कियों के साथ उत्पन्न होती है तो वो अपनी इज्जत, बदनामी और उसकी वजह से अपने आप में अंदर ही घुटती रहती है, उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करती, देखा है कि नहीं। और ये सबसे घातक स्थिति है। पहला काम क्या करना है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आपको लग रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसको शेयर करो, उसको किसी को बताओ, बड़े को बताओ, सर को बताओ, या जो भी आपको लगे कि मैं इस स्थिति से बहुत परेशान हूँ, या जो व्यक्ति आपको लगे कि आपको पहचान सकता है, आपको समझ सकता है, उसको बताओ। उससे आपका दिमाग का प्रेशर कम होगा, तो जो दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार आ रहे होते हैं वो कंट्रोल होंगे। आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि ये चीज़ है अब सर से ऊपर जा रही है, तो उसको पहली बात शेयर करो। दूसरा काम, ऐसा काम चुनो जिस काम को करने में तुम्हें मज़ा आता है। लड़कों को मोस्टली क्रिकेट खेलने में आता है, सही कह रहा हूँ कि नहीं, बैट उठाओ निकल जाओ। लड़कियों को किसी काम में आता है, बुनने में, स्वेटर बुनने में, काम करने में, घर का काम करने में, जिस किसी चीज़ में उनको, टीवी देखने में, जिस किसी चीज़ में उनको अच्छा फील हो रहा है, वो कहें कि दोस्तों के साथ में हमेशा। देखो सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताऊं, इसलिए कि रिश्ता होता है जिसे हम लोग जनरल भाषा में साधारणतः फ्रेंडशिप कहते हैं या दोस्त कहते हैं, लड़की लड़के, लड़के लड़के, तो ये बड़ा आजकल बड़ा अजीब हो गया है, इसको लोग कहते हैं कि गलत संगत में है या गलत चीज़ में है, लेकिन इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। एक अच्छा दोस्त है अगर आपका, तो आपको कभी गलत काम नहीं करने देगा, और अगर एक अच्छी दोस्त है आपकी तो आपको गलत काम नहीं करने देगी, और एक अगर आप वही वो ख़राब है तो आपको बहुत बुरा नीचे भी गिरा के ले जाएगा। तो एक बात बहुत बढ़िया रामचरितमानस में कही गई है कि संगत से इंसान जमीन से उठ करके राजा भी बन सकता है, जैसे विभीषण बन गया, ठीक है, और संगत से इंसान राजा से डेड बॉडी भी हो सकती है, जैसे रावण हो गया, उसके मंत्री और उसके जो साथी संगति वाले जो व्यक्ति थे वो इतने दुष्ट और इतने नालायक थे कि उसको हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही सिखाते थे। कि अभी हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जिंदगी का गोल्डन पॉइंट है ये वो वक्त है जब आप ऊपर पहुंच सकते हो या आप नीचे भी गिर सकते हो, ठीक है। 10th होने के बाद में अगर बच्चा ज़बरदस्त तरीके से 2-3 साल पढ़ लेता है तो ज़िंदगी में वो अच्छे मुकाम पे कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, चाहे वो फिजिकली हो आर्मी पुलिस के लिए, या मेंटली हो किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, कि अपने ये 2-3 साल जो ज़िंदगी के हैं इन सारी चीज़ों से हटा करके दिमाग उधर सेट करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि कल को ना आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने दोस्त थे, कि कितने लोगों के साथ घूम रहा था, कि किसके साथ क्या कर रहा था। कल को ये पूछेंगे कि नौकरी लगी कि नहीं लगी, और लड़कों की तो शादियाँ भी नहीं होती सही कह रहा हूँ कि नहीं, बोलो भाई, बड़ी मुश्किल से होती हैं, हैं, बड़ी मुश्किल से होती हैं। और देखो लड़कियों का पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, समाज, सोशल और जो घर हैं
लड़कों की मानसिकता को देखते हुए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना, कि जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है या जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है उसका कोई शोषण नहीं कर पाता। ठीक है, शोषण करने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप खुद कमा रही हैं, आपकी खुद कहीं पर नौकरी लगी हुई है, तो आपका पति, आपकी सासू माँ और आपके घर वाले ना आपको टॉर्चर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? करेंगे तो आप अलग भी हो जाओगे, तो आप पे कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, परेशान हो जाओगे लेकिन आप स्ट्रगल कर जाओगे। लेकिन जब आप स्ट्रगल नहीं होते और आपकी शादी हो जाती है, फिर आपको अगर वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है तो आप ना तो छोड़ने के, वो गर्म दूध उगलने वाली कहावत सुनी है कि नहीं, वो वाली सिचुएशन होती है, मतलब ना अंदर के ना बाहर के, तो वो स्थिति बहुत ख़तरनाक होती है। और आजकल की लड़कियां तो लड़कों से बहुत आगे हो रही हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब यही होता है हर एक सेमिनार में, हर एक जगह पे, स्टेबल हो जाओ बेटा, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि जो जो अपने पैरों पे खड़ा होता है उसका सपोर्ट सब लोग करते हैं। जहाँ पे आप लोग कुछ कमाते हो ना, वहाँ आपके पीछे बहुत लोग चलते हैं, आपको सब सपोर्ट करते हैं। और जहाँ आप सिर्फ एक किसी पे बोझ बन के रहते हैं, तो सिर्फ आप घर के काम तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लड़कियों का ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना कंपैरिजन टू लड़के, क्योंकि इनके लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हर एक लड़का कर ही लेता है, कोई ना कोई छोटा बड़ा काम जो भी होगा कुछ ना कुछ उसको करना ही है। ये मैं ऐसे कहूँ, कर लेता नहीं है, उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन लड़कियों के लिए ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को डेडिकेशन करके पढ़ाई करो। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, बस बात क्या होती है कि तुम्हें उसका टीचर सही नहीं मिला होता। देखो मैं सही बात बता रहा हूँ, अगर वो आपकी समझ में आ जाए ना तो मैथ आज ही ईजी हो जाएगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो कठिन है। ठीक है, मैं भी शुरू से बायो का स्टूडेंट रहा, तो अगर आप हमेशा कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आपको कठिन तभी लगती है जब आप उसको कर नहीं पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद को उसमें इन्वॉल्व करो बेटा, पढ़ाई के प्रति अपने आप को जागृत करो, और एक बड़ी और अच्छी जगह पहुंच करके अपने घर वालों का और खुद का नाम रोशन करो। अगर खुद का नाम रोशन होता है, एक लड़की कहीं से लग जाती है, तो 10 लड़कियों का नाम जितना नहीं होता जितना एक लड़की का हो जाता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? कि उस गाँव से एक लड़की पुलिस में लग गई, या उस गाँव से एक लड़की आर्मी में चली गई, या उस गाँव से एक लड़की टीचर हो गई, प्रोफेसर हो गई, साइंटिस्ट हो गई। तो ये लोग, मतलब लड़की का आगे बढ़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा मायने करता है कंपेरिजन टू लड़के, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं इनको पीछे दबाने की कोशिश की जाती है। आप रेशियो देखना हर एक क्लास का, लड़के लड़कियों का रेशियो बहुत कम क्लासेस होंगी जहाँ 50% होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? लड़कियाँ 20-30% होती है, लड़के 70-80% होते हैं, क्योंकि भाई लड़के प्रोडक्ट होते हैं फ्यूचर का। उन्हें उनसे अपना जो खिला पिला के तुम्हें बड़ा किया गया है ना, बकरे को खिला पिला के क्यों बड़ा किया जाता है? ताकि ईद पे उसको काट करके और चावलों के साथ खाया जाए। हम लोगों को इसलिए बड़ा किया जाता है कि ये बड़ा होके नौकरी करेगा और हम लोगों को बिठा के खिलाएगा, और लड़कियों को बस इसलिए बड़ा करते हैं कि ये तो जानी ही है एक दिन। तो इसलिए ये लड़कियाँ डेडिकेशन के साथ पढ़ती हैं कि भाई इनको तो जाना ही है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। तो इसी वजह से आज जो रेशियो हो रहा है लड़के लड़कियों का, वो बहुत डिफरेंट हो रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ऊंचा अंतर आ गया रिजल्ट में। CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी चीज़ का, मेडिकल, यहाँ तक कि IAS और IPS में भी देख लो आप। मैं यहाँ बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो जहरीली चीज़ है, टॉक्सिक चीज़, वो है क्षण की खुशी, जिसे कहते हैं कि एक सेकेंड का प्लेजर। जैसे कि मान लो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि भाई दूसरा कुछ और काम कर रहा है उसमें खुशी है। जैसे मान लो कोई घूम रहा है, घूम करके वीडियो बना रहा है, कुछ भी व्हाटएवर कर रहा है, उसमें खुशी है। इसको छोड़ के आप उसमें पहुंच गए, खुशी कहीं पे भी नहीं है। इस बात को कान खोल के सुन लेना, अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ मैं, बहुत जगह जा करके, बहुत जगह चीज़ों को चेक करके देख चुका हूँ, खुशी कहीं पे नहीं है। खुशी सिर्फ एक जगह पे है, जहाँ आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आप पूरे डूब जाओ, तो खुशी है। अन्यथा आप आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, फिर वहाँ घूमते रहो, कोई मतलब नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे लड़कों के लिए खासकर बोलना चाहूँगा,
कि भाई जो इस उम्र पे अट्रैक्शन होता है उसको अवॉइड करो, आगे बढ़ो। और जो शोषण करता है ना, चाहे कोई लड़का लड़की का कर रहा है या लड़की लड़के का कर रही है, ये शोषण वाली स्थिति तब तक तुम्हारे अंदर है जब तक तुम शोषित होते हो। मेरी बात समझना, जब तक आप शोषित हो रहे हो, मतलब कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपको दबा रहा है, तभी तक आपको दबा सकता है जब तक आप खुद दब रहे हो। आप एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल का मतलब समझ रहे हो, आप एक अलग पर्सनैलिटी हो, दूसरा एक अलग पर्सनैलिटी है, आपके ऊपर कोई अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपको कोई दबा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए आपको दबा सकता है क्योंकि आप दबना चाह रहे हो। अगर आप खुद उठ कर के खड़े होने की कैपेबिलिटी आप में है तो आप बिल्कुल नहीं दबोगे। ज़िंदगी में गिरोगे, बार बार गिरोगे और गिरते रहोगे। अगर गिर के तुम उठते हो तो तुम कभी गिरे ही नहीं। और तुम अगर गिर के एक बार भी गिरे रहेगे ना नीचे, तो तुम समझ लो ज़िंदगी भर के लिए गिर गए। कितने एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को जिन्होंने गिरे और उठ करके फिर बहुत, एडिशन का नाम पढ़ा है सबने, थॉमस एल्वा एडिशन, 1100-1200 बार्ब बल्ब बनाया। मतलब सोच के देखो कितनी बड़ी चीज़ है। हम लोग दो बार हाई स्कूल में अगर फेल हो गए ना, आग दे दो हाई स्कूल में, घर बैठ जाएंगे छोड़ के। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं हो पा रहा हमसे, ये कहते हैं 1100-1200 बार उसने ट्राई किया और सफल हुआ। बिल गेट्स, कितने ही लोगों का एग्जांपल है जो ज़िंदगी में फेल हुए और फिर ऊपर चले गए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपनी क्लास एंड करूँ यहाँ। पूछो कोई हो तो भाई। बैठ जाइए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम लोग जो रूल बनाते हैं ना, टाइम टेबल बनाते, वो कैसा होऊंगा, 4:20 पे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 4:25 पे खाना खाऊंगा, इतना हार्ड रूल बनाते हैं ना कि अगर उसको कंप्यूटर में या रोबोट में भी डाल दो ना, उसको उसमें भी आग लग जाएगी। 15-15 का, 5-5 का हम लोग जो है प्लान करते हैं और ऐसा कभी सक्सेस नहीं होता। 6:30 उठ जाऊंगी, 6:35 सारे काम करके 6:35 पढ़ने बैठ जाऊंगी, फिर 6:35 से लेकर के 7:35 तक पढ़ूंगी पूरा। इस तरीके के जो बनाते हो ना आप लोग, ये बहुत बेकार है, ये नहीं चलेंगे कभी। 5-5 का ऐसा आप अगर डिजाइन करोगे तो ये वो रूल है, अगर आप इसको 2 कंप्यूटर को भी फॉलो करवा दो ना, आग लग जाएगी, फूक जाएगा, नहीं झेल पाएगा। रूल एंड रेगुलेशंस कैसे मेंटेन करने होते हैं कि खुद को पहले जांचो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितने बजे उठ सकते हो, कितने बजे सो सकते हो, आपका बॉडी आपका दिमाग कैसे काम करता है। अब जो बच्चा रात में जाग के पढ़ता है उसको दिन में पढ़ा रहे हो, और जो दिन में पढ़ सकता है उसको आप रात में पढ़ा रहे हो, तो ये समझ लो कि वो कभी इस चीज़ में सफल नहीं होगा। पहले आप खुद को देखिए। ज़्यादातर मोस्टली मैं खुद का भी बता रहा हूँ, मैं डेली 3 सुबह उठता हूँ, डेली, पता नहीं कब से उठ रहा हूँ, 3 सुबह उठ करके और 8 तक मैं पढ़ता हूँ कंटिन्यूसली। सिर्फ इसमें 5-5, 10-10 के गैप होते हैं, तो 5 की तो डायरेक्ट यही स्टडी हो गई। उसके बाद में छोड़ दो, आप पूरा दिन अपना जो मन करे वो काम करो। अब हम लोग क्या करते हैं कि रात को खाना खाने के बाद में जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की चीज़ होती है, भाई खाना सब लोग प्रॉपर खाते हैं घर में, पेट भर के खाना खाया शाम को 7:30, और 8-9 से ज़्यादातर मोस्टली लोग 9 से ही पढ़ना शुरू करते हैं ना, 9-12 का प्रोग्राम ज़्यादातर बनाते हैं, नहीं हो पाता। खाना खाने के बाद बॉडी जब खाना डाइजेस्ट करने लग जाती है, पढ़ाई नहीं होती, फिर नींद आती है। इसीलिए मेरा जो प्रोटोकॉल है, मेरा ये है कि मैं शाम को खाना खा करके 9 तक एटलीस्ट सो जाता हूँ, और 9 से 3 तक कितने घंटे हो गए, 6 6 की नींद लेकर के आप एकदम रिफ्रेश फील करते हो, 3 उठ जाओ, 3 से लेकर 8 तक 5 कंटिन्यूसली पढ़ लो। और 5 की पढ़ाई मैं बता रहा हूँ, अगर दिल लगा के आपने की है, मन से बुद्धि से की है, तो दुनिया का कोई भी पेपर आप और लगातार की है तो दुनिया का कोई IAS IPS कुछ भी है, आप वॉट एवर जो भी बनना चाहते हो पास कर जाओगे। अगर आप इस तरीके का टाइम टेबल बनाओगे 5-5 का, तो ये दिक्कत की बात है। इससे अच्छा बेहतर ये है कि आप 40 का बनाओ। एक जो स्टडी में पाया गया है कि 40 तक आपका शरीर एक जगह बैठ करके ज्ञान को एक्सेप्ट, ब्रेन आपका जो वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जब 40 से ऊपर जाता है तो वो खिंचाव वाली स्थिति उत्पन्न होती है। 40 एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद नया स्लॉट लगा दो, इस तरीके से आप
चीज़ों को पढ़ सकते हो। मोस्टली काम अगर आप दिन में निपटा लोगे तो रात आपको सोने के लिए मिल जाएगी, और अगर आप रात में पढ़ने का प्रोग्राम बना रहे हो तो अपने शरीर को पहचानो कि रात में ज़्यादा आप अच्छे जाग सकते हो कि सुबह आप अच्छे जाग सकते हो। सर्दियों में खाओ ज़्यादा पियो कम, और गर्मियों में पियो ज़्यादा खाओ कम। गर्मियों में अगर आपने 2 से 2.5 या 3 घंटे का रखा हुआ खाना खाया, आपको डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उल्टी वोमिटिंग और वो सब चीज़ शुरू। और ये एक बार हुआ तो मान लो कम से कम शरीर पूरा बर्बाद होता है, पढ़ाई वढ़ाई का तो टाइम हम सब बेकार हो ही जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अच्छा ये बताओ, रात की रखी हुई रोटियाँ सुबह कौन खाता है? कौन कौन खाता है इसमें से? यहाँ ज़िंदगी में कभी ये काम मत करना, क्योंकि हम लोग कर लेते हैं लेकिन इस चीज़ को हम लोग नहीं समझते कि उस पर फंगस ग्रोथ कर जाता है। 8 से 9 घंटे की रखी हुई रोटी होती है, उस पर फंगस लग जाता है, जिसे फंगस पड़ा होगा आप लोगों ने, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको हम लोग खा लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो वो जा करके फिर डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ताज़ा खाना खाओ और हरी चीज़ें सब्जियाँ, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे बादाम होता है, ठीक है, बादाम के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, चना होता है, चने को भिगो करके, मूंगफली को भिगो करके खाओ, प्रोटीन होता है भरपूर। दिमाग के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन लोगे तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और हेल्दी भी रहोगे, और थोड़ा बहुत घी भी ले लो। सबसे बढ़िया जो खाना बताते हैं वो जानते हैं क्या होता है? समझाता हूँ, है नहीं, हरी सब्जी तो है ही है, वो तो रोज़ रोज़ का है बेटा, दाल, चावल, और उसमें डालो थोड़ा देसी घी। दाल, चावल और देसी घी, क्यों? दाल में होती है प्रोटीन, घी होता है फैट, और चावल में होती है कार्बोहाइड्रेट। 3 चीज़ें शरीर को ज़रूरत होती है, और तीनों चीज़ें अगर आप प्रॉपर वे में लेते रहोगे तो आप ये कर लोगे। आपको चावल पसंद नहीं है, आप उसमें चपाती ऐड कर लो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो लेना है, वही रोटी में होता है, तो कोई इश्यू की बात है नहीं उसमें। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।